टॉप प्रायोरिटी देने का रहा है और उसी के क्रम में हम लोग पिछले डेढ़ साल से हम डिफरेंट सेटअप्स हमने एस्टेब्लिश किए हैं और उसके माध्यम से हम लोगों की बातों को सुन भी रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। और मैं तो शुरू से मानता हूँ कि एम ये होना चाहिए कि कैसे उस आदमी की समस्या का निस्तारण हो और केवल ये नहीं हो कि भी उसको आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 3-4 तरह के सिस्टम्स इवॉल्व किए हुए थे पहले से। एक हमने संजीवनी प्रकोष चलाया हुआ है, एक हेल्पलाइन चलाई हुई है, एक हमारा जो रात्रि चौपाल होती हैं वो है, एक हमारा जन सुनवाई जो है वो है। तो 4 तरह के सिस्टम्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोग इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। और जन सुनवाई में फिर हमने जब मैं UIT का मेरे पास चार था तो UIT के अंदर भी हमने जन सुनवाई शुरू करी और एम ये रहता था कि हम उस मैटर को तब तक फॉलो करें जब तक उसको लॉजिकल एंड पे ना लेके जाएं, क्योंकि ज़्यादातर में यही आ जाते हैं इश्यूज़। और फिर कुछ ऐसे मैटर्स थे जिसको हमें लगा कि इन सब जन सुनवाई और सब चीज़ों से दूर रख के इसको हम दो स्टेप डिलीवरी के रूप में लें, क्योंकि सबसे बड़ी इशू जो मुझे लगी उदयपुर ज़िले में कि ये अपना ट्राइबल बेल्ट है, तो ट्राइबल बेल्ट होने की वजह से लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन तक जो सेवाएं लेने के लिए जो पहुंचते हैं काफ़ी जो फारफ्लंग एरियाज में हैं उनके लिए टफ हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जैसे कोटड़ा में गतिमान प्रशासन करके सिस्टम चालू किया है, जो एक मोबाइल बस है जिसमें पूरे के पूरे 8-9 डिपार्टमेंट्स एक ही बस में जाते हैं, लोगों की समस्या का निस्तारण करते हैं। फिर कुछ बेसिक नीड्स जैसे एरियाज़ की हैं, आपको पेंशनर्स की हम बात करें, एक ओल्ड एज व्यक्ति को एक पेंशन चाहिए होती है। हम पहले कहीं भी जाते हैं, कभी भी हमारे कैंप्स लगते रहे हैं, उसमें हम देखते रहे कि पेंशन के डिमांड करने वाले बहुत ज़्यादा आते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई में और डिमांड में गैप है और हम उनको पेंशन वगैरह की जो पात्रता रखते हैं, हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो लोग आए फॉर्म भरें और हम उनको लाभ दें। तो हमने कहा कि नहीं, वी शुड गो टू द डोर स्टेप्स और हमें ढूंढना चाहिए कि कौन से लोग पात्रता रखते हैं, और एक बार अगर लिस्ट हमारे पास आ गई तो फिर हम अपनी जो एजेंसी है लोकल उसको पुश कर सकते हैं कि ये आदमी पात्र हैं, इनके आप फॉर्म भरवाइए, उनको लाभ दीजिए। और रिजल्ट ये हुआ कि हमारे ज़िले में जहाँ 40,000 पेंशनर्स थे, आज वो पेंशनर 80,000 से ऊपर पहुँच गए, मतलब जस्ट 1.5 साल में डबल। और उसका एक एडवांटेज हमें इस जन सुनवाई में देखने को मिला कि हमने जितने भी जन सुनवाई अभी ब्लॉक लेवल पे 11 ब्लॉक्स पे की और जिला स्तरीय की, पेंशन की डिमांड करने वाले, पालनहार की डिमांड करने वालों की संख्या जो थी वो नगण्य थी। मतलब हार्डली 2-4 केसेज आए जो पेंशन की डिमांड कर रहे थे, और उसमें भी हम लोग एग्जामिन कराएंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे हों जो पात्रता नहीं रखते हों। तो ये एक सबसे बड़ी सक्सेस चीज़ रही कि आप डोर पे जाके उनको सेवाएं दे रहे हैं। डिसेबिलिटी में हमने सर्वे कराया जो विकलांग हैं, तो हमारे यहाँ पे विकलांगों के सर्वे में फिगर जैसे 30,000 के करीब आई। और जब हमने प्रशासन साहब के संग कैंप में जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस थे कि वहीं पे इनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनाए, तो 30,000 में से करीबन 18,000 ऐसे पाए गए जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा थी और उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बने। और अब हमारा ब्लॉक लेवल कैंप्स चलेंगे क्योंकि लिस्ट हमारे पास है। जैसे कल बड़गांव में कैंप है डिसेबिलिटी का, तो हमारे पास 643 लोगों की लिस्ट है कि जो 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड हैं, जिनको हमने अभी सर्टिफिकेट्स दिए हैं। तो वो लिस्ट जब हम पंचायत वार ग्राम सेवक को देंगे कि इनको तो लेके ही आना है तो उनको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं होता। और ग्राम सेवक भी आ जाते हैं कि हमने तो मैसेज करा दिया, अब यही आए हैं, लेकिन अब बाध्यता रहेगी कि इनको लेके आना है। सरपंचों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भी अगर जन सहयोग से उनके आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए तो वो उनको खर्चा नहीं करना पड़े। तो जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगे, वो उसका अटेंडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाएगा। सर एक बार बताएं कि कल हमने मंत्री जी से आपके सामने ही बात की थी, आपका टाइम पीरियड बहुत लंबा निकला है, उदयपुर की बहुत ज्वलंत समस्याएँ चल रही हैं या डिमांड चल रही हैं, उसमें B2 है, नगर निगम बनाना है या अन्य जो प्रोग्रेस ये फ्लाईओवर का रोड है, इसके लिए जो मानक चाहिए आपके हिसाब से कौन से मानक पूरे हैं और कौन से अधूरे हैं इन तीनों चीज़ों के लिए, B2, नगर निगम और फ्लाईओवर? ये देखिए, B2 के लिए तो सिंपल सी बात है कि जो आपका नगर अर्बन एरिया जो है, जो सीमा है नगर परिषद की इस समय, उस सीमा के अंदर जो आबादी का सबसे बड़ा नॉर्म्स जैसे मुझे पता है कि अगर 5 लाख की आबादी है तो B2 का दर्जा मिलता है। तो आज आपके जो वार्ड्स हैं
उन वार्ड्स की जो बाउंड्री अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 4,65,000 पे आ रहा है। तो अब ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि अगर मतलब इसको B2 करना है तो व्हाट इज़ द वे आउट। आप 35,000 पॉपुलेशन इसी के अंदर तो इमीडिएटली बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आबादी का तो बेसिस जो है वो सेंसस लिया जाता है। तो अब उसमें अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर चुनाव लेती है तो वहाँ पे इसके बारे में लिया जा सकता है। गैप ये है, इस गैप को कैसे फिल करते हैं? हेरिटेज सिटी के लिए क्या छूटे? मुझे आइडिया नहीं है इसके लिए। अच्छा, शहर के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो मतलब बाउंड्रीज के अंदर तो नहीं है, मगर वो पार्ट कहती है पैराफेरी के अंदर है। मुझे एक हमारे सामने ऐसा भी केस आया, एक कॉलोनी या गांधी नगर पर करके बताया, जिसके हमारे यहाँ विजिलेंस में भी दर्ज हुआ था कि साहब हम कहाँ के वोटर हैं। उसके अंदर वास्तव में ये हुआ है कि जो पहले परिसीमन था उसमें अर्बन एरिया में थे, अभी जो बाउंड्री खींची उसमें वो उससे बाहर निकल गए पोर्शन। तो वो अब हमने कन्विंस किया है पूरा एग्जामिन करने के बाद, अब नगर परिषद को गैर नोटिफिकेशन के लिए केस बना के भेज रही है कि ये एरिया गलती से बाहर आ गया, तो वो एरिया अंदर आएगा तो उसकी फिगर और ऐड हो जाएगी। ये प्रगति हो रही है शहर की, और दिल्ली को अपन देखते हैं, आप लोग दिल्ली से हैं, आपसे मैंने आपसे पहले भी टिकट जिक्र किया था उस रोड का, तो जयपुर को आप देखते हैं अपन, जिस तरह से ये मेट्रो चलने लगी हैं, मोनोरेल्स का ज़माना, डिमांड्स हैं आगे की तरफ, तो क्या ऐसे में कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आ सकता जिससे मेट्रो, फ्लाई ओवर और ये मोनोरेल इस तरह को कोई कंबाइन करते हुए साइड बाय निकाला जाए और जो शहर का हेरिटेज लुक है उसको बचाया जाए? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, वायबिलिटी एक प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अपन मेट्रो या मोनोरेल की बात करें, एक प्रोजेक्ट नॉट ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगी 10,000 करोड़ रुपीज़ की, नंबर वन। नंबर टू, उसको सस्टेनेबल होने के लिए सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो आपके ऊपर एक बर्डन बन के रहेगा जिसमें आपको गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सब्सिडी देते रहना पड़ेगा क्योंकि आपके पास लोड ही नहीं है अपना। तो इसलिए वो चीज़ मेरे ख्याल से अभी इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट कि मेट्रो इन उदयपुर। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से टू द ट्यून ऑफ 10,000 करोड़, मैं कहता हूँ 10,000 करोड़ के अगर हम 1,000 करोड़ की बात करें और सेटेलाइट सिटीज बनाएं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ईज ऑफ हो जाएगा। तो जो अभी छोटे शहर हैं उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, व्हेन वी टॉक अबाउट 2040-50, तो उसके लिए मैंने पहले से ही आते ही मेरे तो विजन था कि यहाँ पे इनर और आउटर रिंग रोड होनी चाहिए। वंस इनर और आउटर रिंग रोड है, जो थ्रू ट्रैफिक है वो कभी भी सिटी के अंदर नहीं घुसना चाहेगा। चलते हैं, फर्स्ट वी टेक प्रताप नगर टू मादड़ी, फिर आगे, और उसमें भी हम लोग अभी ब्रिजेस को छोड़ देते हैं तो 4-lane रोड हो जाती है, तो कम से कम एक्सेप्ट द ब्रिज, बाकी जगह एक तो कंजेशन नहीं होगा, नंबर टू चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स विल बी वेरी लेस। जन सुनवाई है उसमें हमारे पास करीबन 1587 प्रकरण आए हैं, और 1587 में हमने जो इनका बाइफर्केशन किया है उसमें 1018 परिवार तो ऐसे हैं जिसमें नए विकास कार्यों की मांग की गई है, सड़कों की मांग की गई है, कुछ जगह पे पानी की टंकी पाइपलाइन की मांग की गई है, इस तरह के जो काम मांगे गए हैं, और 317 ऐसे प्रकरण हैं जो सामूहिक समस्याएं हैं, मतलब समूह के रूप में हैं, और 252 जो हैं वो इंडिविजुअल इश्यूज आए हैं, और 252 में भी करीबन 100 के करीब इश्यूज ऐसे हैं जो बिला नाम भूमि पर पट्टों से संबंधित है कि बिला नाम भूमि पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उसके वो पट्टे चाह रहे हैं, इस तरह के इश्यूज आए हैं। तो ये हमारे पास है, और अभी तक जो हमने विभागों से जवाब मंगाए हैं पिछले 3 दिनों में, उसमें आज सुबह 10 बजे तक 1587 में से 988 प्रकरणों के जवाब हमें विभाग से प्राप्त